मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं अज तुहाडे लई एक इहो जिहा प्रोग्राम लैके आया जिहड़ा साडे सारिआं लई बड़ा कामन है। ठंडा मिठा, ठंडा खट्टा लगना, जदों अहीं कोई मिठा खाने आ खट्टा खाने आ ते सानूं बड़ी प्रॉब्लम हो जांदी है, सानूं असहनीय दर्द हुंदी है जिहड़ी थोड़े टाइम लई ही रहिंदी है लेकिन बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करदी है। जदों अहीं डॉक्टर कोल जाने आ डॉक्टर इहो कहिंदा है कि RCT करानी है, ते ओह कदे वी नहीं दसदा कि सेंसिटिव टुथ है, कहिंदा की करिए, बस ओहदा इक्को ही हुंदा है कि RCT करनी है। RCT दी कास्ट की है, 7,000 तों 15,000, जिहड़ा मिनिमम चार्ज करदा है ओह 7,000, ते 15,000 तों ज़्यादा लैण वाले वी डॉक्टर हैगे है जिहड़े कि चार्जिस करदे है। ते मैं अज दसना चाहना कि घरेलू नुस्खे अही की अपनाइए जिन्हां नाल सानू तत्ता ते ठंडा ते खट्टा ना लगे, साढ़े दंत निरोगी रहन, ते की इहदे लई अही करिए। सारे नाल पहलां ते अपने दंदां दी अही हाइजीनिक केयर करनी है। अपने दंदां दी मसूड़ियां दी मसाज करो, अबर टू डोंट बर्ड, 1 मिंट सवेरे 1 मिंट शाम। अहीं जिहड़ा ब्रश यूज करने आ, कह रही है कि तुसीं ज़्यादा हार्ड ब्रश करके ज़्यादा छिल दोगे दंदां नूं तो तुहाडा मसला हल हो गया, तुहाडा मसला बिगड़ जाएगा। सॉफ्ट तो सॉफ्ट ब्रश यूज करो, अबर डोंट बर्ड्स इहनूं करो, ताकि यह जिहड़ा तुहाडा दंद साफ भी होण ते दंदां दी जिहड़ी तुहाडी लेयर है बेनिफिशियल उहनूं नुकसान भी ना हो। सॉफ्ट ब्रश यूज करना है। सैकेंड पॉइंट इज आयल पुलिंग। तुसीं एक चम्मच कोकोनट आयल उहदे विच तुसीं मिला सकदे हो, पिंच नमक ते अदरक दा रस। थोड़ा नमक पाओ ते अदरक दा रस पाओ ते आयल पुलिंग करो। आयल पुलिंग किस तरह करी दी है, 10 मिंट घट्टो घट्ट, इन्ना तुहाडे मसूड़ियां दी मसाज होएगी। जिहड़ा सेंसिटिविटी है इहदे ते बड़ा अच्छा कम करदी है, बहुत अच्छा रोल है इहदा सेंसिटिविटी नूं ठीक करन। इहदे अलावा अहीं करिए कि जिन्हां मेरे मित्रां नूं इह प्रॉब्लम है तो नमक दे कुरूले सवेरे शाम करन, नमक दे कुरूले करन। हो सकदा है कि उस की करन, नमक हल्दी लसन दा पेस्ट ना लैन, प्लस शहद या जायफल दा भी थोड़ा पेस्ट पा लैन, निम थोड़ी जी पा लैन, ते इहदा सरसों दे तेल च मिक्स करके ते इहनूं अपने मूंह दे उत्ते पेस्ट लगा के करो। इहनूं 2 मिंट रहन दो, 2 मिंट नहीं तो 1 मिंट रहन दो, 1 मिंट नहीं तो 30 सैकेंड्स लई रहन दो। तुसीं देखोगे कि इहदे फंटास्टिक तुहानूं रिजल्ट्स मिलणगे, तुहाडे दंदां दा जिहड़ा ठंडा खट्टा मिठा लगना और काफ़ी कुछ ठीक हो जाएगा। उहदे अलावा तुसीं करो कि जदों भी तुसीं खाना खाँदे हो तो कुरूला जरूर करो, जदों भी खाना खाना है कुरूला जरूर करो। तुहाडे दंदां 'च कोई भी डैबरीज जां कचरा जां कोई भी इहो जिहे फूड पार्टिकल्स नहीं रहने चाहिए। हफ्ते बाद एक बारी जरूर तुसीं इंटर डेंटल ब्रश आंदा है, स्पेसिफिक किस्म दा ब्रश है, उन्हें अपने दंदा नूं साफ करो ताकि कोई फूड का पार्टिकल बिच ना रहे। जो फूड पार्टिकल्स तुहाडे दंदा च बिच रहिंदे फसे रहिंदे है वो कैविटी प्रोड्यूस करते हैं, जिन्ना सानू RCT दे। यह पेस्ट सेंसिटिव दंदा लई बड़ा इंपोर्टेंट है, ये पेस्ट करो। ते जिन्हां नूं भी यह जरूरत है, मैं समझना कई 99% इस चीज़ तों छुटकारा पावांगे। सीनियर सिटीजन नूं तो इहदी बड़ी लोड़ है, सीनियर सिटीजन कोल तो बेचारे लाचार है, पैसे भी नहीं होंदे तो कित्थे जाण। इस करके अपने घरेलू उपचार करो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, खास करके सीनियर सिटीजन, कि तुसीं पैसे मगर ना दौड़ो, बस अपनी सेहत वल ध्यान दो। ये तुहाडी सेहत है तो सब कुछ है, तुसीं पै गए तो किसी ने नहीं पुछना। धन्यवाद।